बाईस छः माह से बंद तालीमी इदारे आज दोबारा खुलेंगे। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं क्लासेस के तलबा को इदारों में बुलाया गया है। स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। बच्चे दो ग्रुप्स में तकसीम। पहला ग्रुप पीर, बुध और जुम्मे को स्कूल आएगा। दूसरे ग्रुप के तलबा मंगल, जुमेरात और हफ्ते को हाजिर होंगे। लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी, शादी हॉल्स में भी आज शुरू होगी सरगर्मी। सूबाई हुकूमतों ने पाबंदियों में नरमी के हुक्मनामे जारी कर दिए। शादी हॉल्स में मास्क के लाजमी इस्तेमाल और 50% गुंजाइश के साथ तकारीब हो सकेंगी। तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी। हफ्ते के रोज़ रात 9 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नवाज शरीफ को वापस लाने का ऐलान। कहते हैं अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। ये हुकूमत को गिराने के लिए फजल-उर-रहमान के कंटेनर पर सवार हुए। 92 न्यूज़ को इंटरव्यू में मजीद कहा, बदकिस्मती से हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग वजीर आला बनना चाहते हैं। वज़रा और उस्मान बुज़दार ने नहीं की। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ की तरह अपनी तशहीर पर पैसा नहीं लगाता। कराची का मसला तब हल होगा जब मुंतखब मेयर शहर को एक मुल्क की तरह चलाएगा। वज़ीर आज़म का कहना है, कराची सिर्फ सिंध का नहीं पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची को ठीक करना ज़रूरी है। नहीं मालूम सिंध हुकूमत को क्या मसला है। क़ायद आज़म फ़लस्तीन के साथ खड़े थे, हम भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। चीन की पिछले 30 साल में ग्रोथ हैरान कन है। मदीने की रियासत का मकसद भी यही है कि गुरबत को ख़त्म करके अजीम कौम बने। अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलज़ाद की वफ़द समेत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। अफगान अमन अमल, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ज़ल्मे खलील ने कहा, अफगान अमन अमल पाकिस्तान के तआवुन के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। आर्मी चीफ ने कहा, वज़ीर आज़म का इलाकाई अमन और रब के विजन हकीकत बनाने के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर यकजा हैं। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का बड़ा फैसला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातिमुन्नबीयीन लिखना लाजिम करार। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स की कुतुब में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लिखा जाएगा। इसराइल, UAE और बहरीन के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब आज वाइट हाउस में होगी। अमरीकी सदर, इसराइली वज़ीर आज़म, अरब अमारात और बहरीन के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म की इसराइल के साथ अरब मुल्कों के मुआहिदे पर तनकीद। कहा, अरब लीग एक इदारे के तौर पर शिकस्त खा चुकी। फ़लस्तीन ने अरब लीग से ताल्लुक ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस्तांबुल में 100 मीटर रेस के दौरान बिल्ली ट्रैक पर आ गई। बिल्ली ने एन उस वक्त खिलाड़ियों का रास्ता काटा जब वो फिनिश लाइन पर पहुंच चुके थे। बिल्ली मानो की गैर मुतवक्के एंट्री कैमरे की आंख ने कैद कर ली। और फिनलैंड में सब्ज रोशनियों से मुज़य्यन आसमान लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से मशहूर सब्ज रोशनियां हर साल नमूदार होती हैं। सूरज से निकलने वाले बर्फी जर्रात फजा में मौजूद जर्रात से टकराने पर यह खूबसूरत मंजर पैदा होता है। और इस वक्त आपको ब्राह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शक्तई में खसूसी इक्तसादी जोन का तकरीब से खिताब करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा जमुहाली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
اياك نعبد واياك نستعين. Vice Chairman NDRC, members of NDRC sitting all that way in China. I want to thank you, Mr. Vice Chairman, for all the nice things you said about us and about CPAC, which we believe is moving forward now from being simply a communication network to what it should be now, which is a proper agreement between Pakistan and China on industrial growth. So, Mr. Vice Chairman, I want to again say what a pleasure it was to receive you in Pakistan, and I hope to see you here again. Ab, khawateen hazrat, pehle to mujhe ye bada ajeeb lag raha hai कि वो चाइनीज़ बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं और अंग्रेज़ी में हम कंडक्ट कर रहे हैं अपनी. मेरी रिक्वेस्ट आगे से ये है कि हम भी उर्दू में कंडक्ट करें. हमें क्या ज़रूर, हम अंग्रेज़ी बोलने लगे हुए हैं यहाँ, हमारे लोग टीवी पे देख रहे हैं उनको हम अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, तो वो उनके लिए भी, अगर आप इंटरप्रेटर, वो उर्दू बोलने वाले भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम अंग्रेज़ी में सारी अपनी कंडक्ट करें. मैं महमूद खान आपको मुबारक देता हूँ. आज ये एक बहुत बड़ी पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ये एक माइलस्टोन है, लेकिन पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन इसलिए है कि जो रशा कई की ये जो आप इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ये मौका देगा पख्तूनख्वा के लोगों को कि वहाँ भी इंडस्ट्री लगे, उधर भी लोगों को नौकरियाँ मिले. मैं अभी यूएन की एक सर्वे देख रहा था, तो उसमें मुझे नज़र आया कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है और गुर्बत कम हो रही है, वो पख्तूनख्वा में है, लेकिन सबसे कम एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह हैं. सो लोग बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई मिडल ईस्ट जा रहा है और कराची में जाके एम्प्लॉयमेंट लेते हैं और शहरों में जाते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में एम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बने, और मुझे खुशी ये है कि जो चार इंडस्ट्रियल जोन्स सीपैक के नीचे जो फैसला हुआ था, उसमें पहली जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ी है वो है रशाकई की इंडस्ट्रियल जोन. इसका मुझे तो खुशी ये है कि ये अब मौका मिलेगा पख्तूनख्वा के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में रह के नौकरियां लेना. मेरा तो ये इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों को दूर छोड़ के जाना, और कितनी कितनी देर तक दूर रहना.